खरगोन के शासकीय महाविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों को पास के गांव जामली में स्वच्छता अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने के लिए बुलाया। इस दौरान कॉलेज परिसर में छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर छात्रों ने मीडिया को बुलाकर इस बात का खुलासा किया कि हमें प्रबंधन ने सुबह से बुला लिया, न खाने की व्यवस्था है, न सफर के लिए बस की व्यवस्था की गई और वाहन के नाम पर खट्टारा टेम्पो में बैठाकर भेजा जा रहा है। कॉलेज के पढ़ाई व्यवस्था को लेकर भी छात्रों ने नाराजगी जाहिर की। उधर अव्यवस्थाओं की बात सहित हंगामे को लेकर कॉलेज प्रबंधन अपना दामन बचाते दिखाई दिया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 8 बजे तो वो कोचक ने अपने हिसाब से बुलाया। तो कहाँ ले आना था बच्चों? टाइम दिया था हमने। बच्चों कहाँ ले आना था? बच्चों को आज तो जामली लेके गए। ये बता रहे 8 बजे से हम परेशान हो रहे हैं, ना तो बस की व्यवस्था करी है, टेम्पो कर दिए बोले बस। 11:30 बजे बच्चों को बुलाया है, 12 बजे रवाना। बच्चे बता रहे पढ़ाई भी नहीं हो रही है इधर गाँव से। आज पढ़ाई अलग चल रही है, पढ़ाई मॉर्निंग वाले की पढ़ाई हो चुकी, साइंस वाले भी सब क्लासेस चल रहे हैं। जामली के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के लिए और बच्चों को लेने जा रहे हैं और बस की व्यवस्था करनी थी, टेम्पो में ले जा रहे हैं और सभी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और सर टीचर सारे जा रहे हैं, बच्चों को लेक्चर नहीं लग रहे हैं, बीएससी की क्लासेस पूरी खाली है, बीकॉम की बच्चों की क्लासेस पूरी खाली है, सब बच्चे परेशान हो रहे हैं, धूप में परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे आए हैं, कुछ नहीं हो रहा है कॉलेज में। तभी आप मैडम से मिले, समस्या बताई आपने, क्या कहा उन्होंने? मैडम बोले कि कर रहे हैं, समस्या हल कर रहे हैं, बच्चों को नहीं ले जा रहे, 10-10 की बेंच बनाई है उनको ही ले जा रहे हैं, सारे सर टीचर को नहीं जाने पर सारे सर टीचर गए हुए हैं। बात नहीं करी थी, बात करी मैडम ने, पर मैडम ने भी सब घुमा फिरा के बात करी। नहीं, नहीं, बस का बोल रहे थे, बस नहीं करी, बस का बोला पर बस नहीं करी, टेम्पो भी सिर्फ खटारा कर दिया और बच्चों को ले गए, 10 बच्चों को लेके गए सिर्फ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अवनीश तारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।